है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं OWS लेकर आ गया हूँ। हम लोगों ने 130 तक देख लिया था नेक्स्ट के वीडियो में, तो आज हम 130 से और आगे देखेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 131 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर OWS कहता है अ बर्ड ऑफ पैसेज। अ बर्ड ऑफ पैसेज इसका क्या होता है? प्रवासी पक्षी, माइग्रेटोरी होता है। ठीक है, माइग्रेटोरी जिसे हम कहते हैं प्रवासी पक्षी। आप लोग जानते होंगे कि प्रवासी पक्षी हमारे भारत देश में काफ़ी दूर से साइबेरियन बर्ड्स जो है हमारे इंडिया में आते हैं। तो यहाँ पे अ बर्ड ऑफ पैसेज इसका मतलब माइग्रेटोरी होता है। अब इसे आप याद कैसे करोगे? तो इसे आप याद करने के लिए आपको देखो बर्ड क्या होता है? आसमान में उड़ता है। ठीक है, मिग का नाम सुने होंगे कि इंडियन एयरफोर्स में एक MiG-21 जो है वो जो है एक प्लेन का नाम है। ठीक है, एक लड़ाकू विमान है MiG-21। तो बर्ड भी आसमान में उड़ता है और MiG-21 भी आसमान में उड़ता है। तो बर्ड जैसे ही आपका पैसेज मतलब कि OWS में आपका दिखाई देगा, तो जैसे ही दिखाई देगा बर्ड वैसे ही आपको याद आएगा मिग। तो मिग से माइग्रेटोरी हो गया याद। ठीक है, तो दोनों को कनेक्ट कर से आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट OWS कहता है प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, यानी कि ऐसा प्रोडक्शन, ऐसा उद्योग जहाँ पर रेशम की साड़ियाँ या फिर कोई भी मतलब कि कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम उद्योग। अब इसे आप कैसे याद रखोगे? इसे याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि देखो सिल्क है, सिल्क साड़ी आप लोग सुने होंगे। सेरीकल्चर, सेरी से कुछ वर्ड आ रहा है, सेरी से साड़ी आ रहा है। ठीक है, और साड़ी किस से बनता है? सिल्क से बनता है। तो इस दोनों से आप लोग इसे कनेक्ट करके याद रख सकते हो। ठीक है, अ थिंग विच इज़ ओपन टू ऑब्जेक्शन, कोई थिंग है जिसका ओपन होते ही ऑब्जेक्शन लग जाता है। यानी कि जैसे कि कोई काम आप कर रहे हो और उस काम को शुरू करते ही आपका उस काम में ऑब्जेक्शन लग गया, यानी कि कुछ लेकिन लग गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्शनेबल कहेंगे, आपत्तिजनक। बोलते नहीं है कि ये आपत्तिजनक तुम काम कर रहे हो, मतलब ये काम ठीक नहीं है, ऑब्जेक्शन लग जाना। तो ठीक है, ऑब्जेक्शन से निकल कर आया ऑब्जेक्शनेबल। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो। अ केस विच काउज सेक्शन, ठीक है, तो इसका हम क्या जानते हैं? सेंसेशनल, शानदार, सेंसेशनल। अ केस विच काउज सेंसेशनल, सेंसेशनल का मतलब क्या होता है? सेंसेशनल का मतलब होता है आपका मतलब कि एक बहुत ही अनुरोध करना, किसी से कुछ आग्रह करना। ठीक है, सेंक्शन आप नाम नहीं सुने कि बॉर्डर में आप लोग देखे हो कि एक सेंसेशन लेटर उन लोगों का आ जाता है, मतलब कि छुट्टी का टाइम एक मतलब कि एक पार्ट है, सीन है कि सैंक्शन उस वर्ड में आप लोग को सुनाई देगा कि मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, तो वहाँ से आप लोग को मंजूरी मिल जाता है सैंक्शन। तो इस तरीके से आप लोग इसे सैंक्शनल याद रख सकते हो। ठीक है, मैंने ये सैंक्शन वर्ड तो वहीं से सुना था, बॉर्डर वाला जो फिल्म है वहीं पर एक छोटा सा सीन है, वहाँ पर ये वर्ड बोला जाता है। एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ नो लाइफ, एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ नो लाइफ, किसी ऑब्जेक्ट का कोई लाइफ ही नहीं होता है, मतलब कि वो एकदम निर्जीव है। ठीक है, इनएनिमेट है। ठीक, इनएनिमेट मतलब क्या होता है? निर्जीव होता है। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद रखोगे? तो आप देखो नो लाइफ के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो एनी मतलब क्या होता है? एनिमल, एनिमार है ना, एनिम, ANIMAL एनिमल होता है ना, MAL, तो MA यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, एनिमा, एनिमा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका कोई लाइफ ही नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि वो जन्म लेते हैं और तुरंत वो मतलब जंगल में रहते हैं, जिसके कारण उनका बहुत सारे शिकारी लोग होते हैं जो जन्म लेते ही तुरंत वो मर जाते हैं, तो उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट जन्म लिया, तो उसका लाइफ ख़त्म हो गया, यानी कि एनिमल का लाइफ ख़त्म हो गया। तो इस तरीका से आप ऑब्जेक्ट से नो लाइफ कनेक्ट किए, नो लाइफ से आप एनिमल को कनेक्ट किए, तो ये तीनों से आपका ये आपको याद हो जाएगा। अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक पर्सन है जो खुद के कंट्री को मतलब लीव करके छोड़कर दूसरे कंट्री में रहने के लिए जाता है, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। तो ये तो आपका कॉमन वर्ड है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ थिंग टू एक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन लॉ, एक थिंग होता है मतलब कोई मतलब किसी तरीके का कोई काम है जो पूरा का पूरा बेस्ड है लॉ में, सिर्फ और सिर्फ लॉ में बेस्ड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कानून पे बेस्ड है वो, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीगल कहते हैं, कानूनी कहते हैं। लीगल,
लीगल आप लोग देखे हो कि लॉ में यानी कि कानूनी कार्रवाई में हमेशा लीगल ही काम होता है, इन लीगल काम कोई भी नहीं होता है। तो लॉ से आप लीगल याद रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसा प्लेस जहाँ पे चिड़ियों या फिर पक्षियों को रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एवरी कहते हैं, एवरी कहते हैं। दरबा या फिर पिंजरा, ठीक है, पिंजरा में आप लोग अपने घर में रखे होंगे ना कोई भी पक्षी या बर्ड या फिर तोता मैना कुछ भी रखे होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एवरी कहते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट्स, एक टैंक में फिश होता है, वाटर प्लांट्स होता है और उसमें पानी भी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मछली घर कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे वाटर आया, वाटर से हम लोग क्या जानते हैं, पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि वाटर से जब भी आ जाए आपका OWS तो उसमें एक्वा जरूर लगा होगा। एक्वा हम कैसे याद करने के बताए थे, एक्वा गार्ड आपके पास प्योरेट होगा घर में किसी के, तो वहाँ से आप एक्वा याद रख सकते हो। तो एक्वा से एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम मछली घर आप लोग यहाँ से कनेक्ट करके याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन इंसेक्ट विथ मैनी लेग्स, किसी कीड़े मकोड़े का बहुत सारा पैर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटीपेड कहते हैं, सतपाद। सेंटी मतलब सेंटर, सेंटर में बहुत सारा पेड़ हो गया यानी कि पैर हो गया, लेग्स हो गया, लेग्स सेंटर में बहुत सारा है या फिर सेंटर में बहुत सारा लेग्स है जिसके कारण सेंटीपेड सतपाद हो गया। अ ब्रेकर ऑफ इमेज यानी कि इमेजेस को ब्रेक कर देना, मतलब कि तोड़ देना, मूर्ति भाजक जिसको हम कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, आइकोनोक्लास्ट जिसे हम कहेंगे। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं आप लोग के पास, अ मैन ऑफ अनयूजुअल हैबिट, एक मैन के पास मतलब कि अनयूजुअल हैबिट है, मतलब कि वो एकदम पागल है जैसे बिहेव करता है, एकदम मतलब उसे कोई भी कुछ भी काम दे दो मतलब वो पागल के जैसा वो करने लगता है कि नहीं नहीं मैं ये सब ऐसा कुछ भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है, सनकी जिसे बोला जाता है, ठीक है। जैसे ही उसे दम मतलब कोई काम दे वो दम गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला कि मेरे से तो ये होगा ही नहीं होगा, मैं ये नहीं करूँगा, एकदम सनकी टाइप का करने लगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है, इसेंट्रिक। देखो सेंटर यानी कि उस पर कोई काम दिया, सेंटर यानी कि उसके माइंड पे इफेक्ट किया, ठीक है। माइंड हमारा क्या होता है, सेंटर होता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी का सेंटर होता है माइंड, जिससे पूरी की तरह पूरे बॉडी कंट्रोल होता है, तो सेंटर पे उसका इफेक्ट किया, सेंटर पे इफेक्ट किया यानी कि वो पागल के जैसा बिहेव करने लगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, अच्छा लग रहा है तो लाइक मारो, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक मारो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे ये सारा का सारा OWS जो है वो पूरा याद है। अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज, विवाह से नफरत करने वाला, ठीक है, मतलब कि जो मैरिज से नफरत करता है, मतलब बोलता है मैं शादी ही नहीं करूँगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिसोगैमिस्ट कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मिसोगैमिस्ट कहते हैं। देखो ये 143 और मैं एक और बताता हूँ आपको, 145, ये दोनों को आप देखना, ठीक है, 143 और 145, ठीक है। अ हेटर ऑफ लर्निंग, मतलब कि लर्निंग मतलब याद नहीं करने वाला, मिसोलॉजिस्ट। देखो इसमें क्या आया, लॉजिक वाला बात आया ना, लॉजिक हम क्या करते हैं, लॉजिक लर्निंग करते हैं तभी तो हमको लॉजिक पता चलता है, कुछ चीज़ पढ़ते हैं तभी तो हमें लॉजिक कुछ निकल कर आता है कि हाँ इसमें ये होगा इसमें वो होगा, ठीक है। तो उसी को मतलब वो क्या कर रहा है, मिस कर रहा है, लॉजिक को मिस कर रहा है, मतलब लर्निंग किया लॉजिक निकला और उसी लॉजिक को मिस कर रहा है, तो इससे आप लोग का निकल का आया मिसोलॉजिस्ट, ठीक है, अ हेटर ऑफ लर्निंग, ज्ञान द्वेष। अब देखो यहाँ पे 143 पे आ जाओ, 143 पे जैसे ही आप आओगे, द हेटर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज, विवाह से नफरत करने वाला, मतलब कि देखो गेमिस्ट, विवाह एक क्या है, गेम है, ठीक है, गेम तो नहीं है मतलब कि मान लो कि गेम है, गेम टाइप का है, और उसी को गेम को वो मिस कर रहा है, ठीक है, हेट कर रहा है, उस गेम को हेट कर रहा है यानी कि शादी को हेट कर रहा है, तो हम यहाँ से ऐसे मतलब गेम को हेट करने वाला मतलब कि वो विवाह से नफरत करने वाला, ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो उसे। तो चलिए 144 पे हम लोग देखते हैं, अ मैन हु इज 80 ईयर ओल्ड, एक आदमी है जो 80 साल का है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टाजेनेरियन कहते हैं, 80 साल का, ये तो खैर आप लोग को याद होगा क्योंकि 8 से ऑक्टा हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इज अनेबल टू प्ले हिज डेबिट,
वन हु इज अनेबल टू प्ले हिज डेबिट, एक है जो वो प्ले नहीं कर सकता है, मतलब उसके पास पूरी की पूरी पे नहीं कर सकता है, पैसा पे नहीं कर सकता अपने डेबिट कार्ड से, क्योंकि वो पूरी की पूरी कंगाल हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट उसे कहते हैं, दिवालिया, उसका पूरा का पूरा दिवालिया निकल चुका है। दिवालिया यानी कि पे नहीं कर सकता है। देखो जैसे मैं बताता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट में गया, ठीक है, पैकेट चेक नहीं किया कि मेरे पास कितना पैसा है, खा पी लिया, पे करने का बारी आया, डेबिट कार्ड निकालता है, देता है वेटर को कि लो आप डेबिट कार्ड से पे कर लो। पे जैसे ही करने जाता है उसका पेमेंट खाली रहता है, मतलब कि उसका कार्ड खाली रहता है, यानी कि वो पे नहीं कर पाता। पे क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसका इंस्टॉलमेंट निकल गया, दिवालिया निकल गया, यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस ठप, लॉस। ठीक है, तो पे से आप लोग याद रखो, पे से डेबिट से पे किया, अब पे के कारण इंस्टॉलमेंट हो गया, यानी दिवालिया निकल गया उसका। वन हु ईट्स एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा खाने वाला, यानी बहुत ज़्यादा खाने वाला को हम क्या कहते हैं, ग्लटन कहते हैं, पेटू कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग को हमको नहीं लगता है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट वीडियो में ये वाला शायद रिपीट हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया था, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, मतलब कि कोई उससे सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड यानी कि इनसेटिबल, अतृप्त, कोई उसे सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि अतृप्त, इनसेटिबल उसे कहेंगे, सेटिस्फाइड से निकल कर आया सेटिबल। ठीक है, That which is endless, मतलब कि वो कभी भी अनंत है ही नहीं, उसका किसी कभी अंत होगा ही नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं interminable, ठीक है, यानी कि अनंत, या फिर infinite भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये वर्ड से ही निकल कर आ रहा है, endless का मतलब क्या होगा, infinite होगा, interminable होगा, ठीक है, अनंत। स्टेटमेंट ऑन ओथ, शपथ पत्र, इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, हैफी डेपिट। ब्यूटीफुल ड्राइंग, यहाँ पे मैं और ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, 150 तक मेरा लास्ट रहेगा आज के लिए, क्योंकि आप लोग को मुझे लगता है कि काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण आप लोगों को परेशानी होता है, तो मैं 20 OWS हमेशा आप लोग के पास लेकर आऊँगा, बहुत सारा है मेरे पास, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही मैं OWS लेता हूँ हमेशा। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।